अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमदाबाद पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर नर्सरी टीचर मिस तहसीन फातिमा। हाउ आर यू ऑल? हाउज योर वीकेंड गॉन? आई होप यू ऑल हैव डन योर वर्क विच आई हैव गिवन यू ऑन द लास्ट वीक। ओके जी, एज यू ऑल नो दैट वी कैन स्टार्ट विद द थाउजेंथ तस्मीर, द सर्कल टाइम, वी कैन स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। सो स्टार्ट विद थाउजेंड तस्मिया, देन वी हैव द रेसिटेशन ऑफ सूरह हम, सूरह इख्लास, सूरह असर एंड द रेसिटेशन ऑफ पहला एंड दूसरा कलमा। देन वी हैव सम मसनून दुआएं। इन दिस वीक वी हैव एडिट अ न्यू सूरह, दैट इज सूरह नसर, विच इज ऑन योर इस्लामिक बुक ऑन पेज। ये सूरह नसर है आपकी इस्लामियत बुक के पेज नंबर 3 पे। ये आप लोग को लर्न करनी है इंशाल्लाह। Within 2 or 3 weeks we have learned this. आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये सूरह नसर की आयत नंबर 1 इज़ अजा नसरुल्लाह वल्फत, ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, तो ये आपको लर्न करनी है। क्लास में हमने पूरी रेसिटेशन की थी, लेकिन होमवर्क में मैंने आपको सिर्फ एक आयत दी, एक एक आयत करके हम लर्न करेंगे। थोड़ी बड़े सूरह है आपके लिहाज से, इसलिए मैंने अभी एक सूरह दी आपको, ठीक है जी। उसके बाद हमारे कुछ जीके क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को पता है, जो मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे पूछती हूँ। आज जो मैंने किया लिया है आप लोग का टेस्ट, जो कि मैंने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि मैं मंडे को आप लोग का सरप्राइज़ टेस्ट लूँगी, कि जो भी नंबर साउंड नंबर्स लेटर्स एंड उर्दू हरूफ तहजी थे, वो जितने भी आज तक हमने पढ़े उन सब का मैंने आज टेस्ट दिया है। और बहुत अच्छा काम मेरे बच्चों ने किया है जो ऑनलाइन थे, तो उनको माशाल्लाह माशाल्लाह उन सब ने मुझे लिख के दिखाया। मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि बच्चे जो है माशाल्लाह से बहुत कंसंट्रेशन और बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। और थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन पेरेंट्स, आप लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो आज हम लोगों ने यूँ मॉर्निंग सेशन बहुत बड़ा नहीं किया था, छोटा सा मॉर्निंग सेशन था, उसके बाद हम लोग ने टेस्ट लिया था और उसके बाद हमने इंग्लिश मैथ्स उर्दू का काम किया था। तो टेस्ट के बाद हमने नया लेटर साउंड आज पढ़ा था, आज हम लोग जो लेटर साउंड पढ़ा था वो है ग। सो यू हैव टू से अ साउंड अलाउड, ग ग ग ग्रास, ग ग्रेप्स, ग गन, ग गोट, ग गिफ्ट। दिस इज योर फोनिक लैंग्वेज सीरीज, पेज नंबर 18। यू हैव दिस लेटर साउंड ग। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग? ग इज लाइक मेक अ ख, गो अप, come down and down and little turn around. Okay, this is the formation of ga. We have some more vocabulary related to this letter sound ga. As you can see in this pictures, we have ga grasshopper, ga glass, ga giraffe, ga gas, ga grass, ga gate. Then we have ga grapes, ga guitar, ga girl, ga gate, ga green color and the ga grass. Now we start with the copy work. Okay ji, this is your class work, page number 8. Okay ji, I have done with the circle time and the both lesson. Now we start with the exercise work. So you have to open your copies, phonic practice copy, page number 77, which we have ga guava. What we have? G guava. So you have to write, start with the dot, make a kha, go up, come down and turn little around. I hope you know how to write g. This is g guava, this is your classwork. And page number 78, g girl, and page number 79, g gorilla is your homework. ओके जी, आप लोगों को समझ आ गया होगा। पेज नंबर 77 हमारा क्लास वर्क है और 78 और 79 हमारा होमवर्क है, ठीक है जी। अब बारी आती है हमारे मैथ्स वर्क की। ओके जी, मैथ्स में हम 1 to 8 कवर कर चुके हैं, सो वी कैन प्रोसीड विद द नंबर 9। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, वी हैव 9 स्माइली फेस। फर्स्ट यू हैव टू काउंट एंड देन राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। How many smiley faces are there? 9 smiley faces. Okay, now count the candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the candles are 9.
Now it's time for the copy work. So open your books. This is your number concept series, book 2, open page number 17. So in this page you have to count the stars and write the number according to the color in this block. So when we count red stars, so you have to write the number in the red star block. When we count green stars, so you have to write number in the green star block. Okay, count and write. This is your classwork. Page number 77. It's now time for the copy work. So open your copies. In copy, you have to do page number 99 in your classwork. We have 9 balloons. So count the balloons and then start writing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many balloons do we have? We have 9 balloons. So you have to write 9. Start with the point. Go up, come down, and turn little around. This is the formation of 9. Page number 99 is your classwork. And page number 100, in which we have 9 drums. And page number 101, in which we had 9 tomatoes, is your homework. Okay, page number 99 is your classwork, and 100 and 101 is your homework. Okay, let's proceed to the Urdu work. Open your books. Aho Kaida Pane, page number 43, in which we have An se Aurat, An se Ukab, An se Imarat, or An se Ainak. An se Aurat, An se Ukab, An se Imarat, An se Ainak. ठीक है जी, ये हमारी मेरी उर्दू की किताब है, इसमें भी सेम वोकैबुलरी दी हुई है. एन से ऐनक, एन से औरत, एन से इमारत और एन से कॉप. अब हम कॉपी वॉक करते हैं. टेक आउट योर कॉपीज, मेरी उर्दू की अमली किताब. ओपन पेज नंबर 79 ऑफ योर कॉपीज, जिसमें हमारे पास एन से औरत दिया हुआ है. ये आपका क्लास वर्क है. ठीक है जी, अच्छे से कलरिंग करनी है, अच्छे से राइटिंग करनी है, नीट एंड क्लीन. उसके बाद हमारे पास होमवर्क आता है, जो कि है एट पेज नंबर 80 पर एन से औरत, और पेज नंबर 81 एन से इमारत. ये दोनों आपके होमवर्क है. पेज नंबर 79 क्लास वर्क है, 80 और 81 होमवर्क है. ठीक है जी, इट्स इनफ फॉर टुडेज लेसन. सो वी हैव डन विद द इंग्लिश मैथ्स उर्दू. और एक छोटा सा क्विज आपके लिए मैंने अरेंज किया है, वो आप देख लीजिए, फिर उसके आपकी प्रैक्टिस करनी होगी आप लोग. ये हमारे पास कुछ जू एनिमल्स हैं, जिनके नेम आप लोगों को लर्न करने हैं. और फिर कल मैं क्लास में आपसे कुछ जू एनिमल्स के नेम पूछूंगी, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से जू एनिमल्स होते हैं. ठीक है जी, तो ये छोटा सा क्विज है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क के तौर पे, टास्क के आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ, स्टे एट होम. इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द न्यू क्लास of this week and last class of this week. So inshallah we will see you tomorrow. Okay, love is, take care, stay safe and stay at home.